स्टूडेंट, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास टेंथ मैथ्स एमसीक्यूज क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ देखोगे कि अभी जो बोर्ड एग्जाम्स क्लास टेंथ का जो होने वाला है वहाँ एमसीक्यूज क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यहाँ जो पहला जो क्वेश्चन है SCF ऑफ 26 and 91, और ये ऑप्शंस दिए हुए, जितने भी रेड वाले जो सर्कल है ना, ये आपका ऑप्शंस है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कैसे फाइंड करोगे, तो यहाँ देखोगे ये है आपका 26, तो क्या हम 26 को ऐसे लिख सकते हैं, 13 2 26 है ना, और 91 है उसके बाद, तो 91 को हम लिख सकते हैं 13 × 7 है ना। अब इससे पूछ रहा है आपका SCF, तो SCF मींस क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हम लोग लेते क्या है, जो मिनिमम कॉमन होगा ना वही लेंगे। जैसे यहाँ देखोगे आपका 13 कॉमन है, तो अब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा SCF दैट इज इक्वल्स टू 13। ऑप्शंस में देखो एक 13 का है, तो ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा बी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल, यानी आपसे पूछ रहा है ये जो चार ऑप्शंस दिए हुए हैं A, B, C and D, अब इसमें से इरेशनल कौन नहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ देखोगे कि इरेशनल मतलब क्या हो गया, कि जो रूट वाले जो होंगे है ना, जो रेशनल नहीं होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देखोगे, अब ये 3 + √7, तो ये तो हमारा इरेशनल है ना, लेकिन आपसे पूछ रहा है कि नॉट इरेशनल, ठीक है ना। तो अब ये नेक्स्ट वाला देखोगे 3 - √7, अब ये भी हमारा क्या है, इरेशनल ही है, बट हमें चाहिए क्या, नॉट इरेशनल। अब यहाँ थर्ड ऑप्शन में देखोगे, यहाँ दिया हुआ है 3 + √7 and then into 3 - √7, यानी ये इस फॉर्म में है, a + b into a - b के फॉर्म में। फार्मूला क्या होता है, a² - b², ये आप लोग को पता है, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या होगा, 3 का स्क्वायर करोगे तो ये 9 होगा, और -√7 का स्क्वायर करोगे तो रूट और स्क्वायर क्या होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, तो बचेगा क्या आपके पास 7, तो 9 से 7 गया यानी 2। अब तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ आपको दिख रहा था कि रेशनल है, रूट लगा हुआ है, बट आपको इसको सॉल्व किए तो हमें क्या मिल गया, रेशनल के फॉर्म में आ गया, यानी रेशनल नंबर मिल गया, ठीक है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा इरेशनल नहीं होगा, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वाले को देखते हैं, यहाँ दिया हुआ है कि इफ 10 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, ये दे दिया हुआ है x² + 3x + k इज, इसका 10 क्या दे दिया हुआ है, 2 दे दिया हुआ है, ठीक है। देन आपसे पूछ रहा है कि k का वैल्यू क्या होगा, तो सबसे पहले कि अगर ये 0 है, ये 2 जो है इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का, अगर ये 0 है, दैट मीन्स ये क्या करेगा, इस पॉलीनोमियल को सेटिस्फाइड करेगा, है ना। तो हमारा जो ये अगर हम लोग ले लेते हैं सपोज px, दैट मीन्स क्या होगा, p(2) = 0, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में इस 2 का वैल्यू पुट कर देंगे, यानी x के प्लेस में हम 2 पुट करेंगे, और उसके बाद सॉल्व करेंगे तो k का वैल्यू हमें इजीली फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखोगे ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, +3 × 2 करोगे एंड देन +k = 0, ठीक है। तो अब ये हो गया 4, और ये हो गया +3 × 2 = 6, 4 + 6 कितना हो गया, 10, यानी k का वैल्यू क्या मिलेगा, k = -10, क्योंकि ये जो इस साइड का जो 10 होगा, यहाँ से यहाँ तक 10 मिला, ये उस साइड जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो इस साइड प्लस था तो उस साइड गया तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा k का वैल्यू -10, ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ दिया हुआ है कि द जीरोज ऑफ x² - 2x - 8 आर, और ये हमारा दे दिया हुआ है ऑप्शंस। तो एक तो प्रोसेस ये है कि इसको हम लोग पॉलीनोमियल एज्यूम करेंगे, px = this, हमें 0 फाइंड करना है, px = 0 लेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम आंसर को निकाल सकते हैं। दूसरा इजी प्रोसेस क्या है कि यहाँ जो वैल्यू है ना, ये तो जीरोज है, कोई ना कोई एक तो हमारा आंसर करेक्ट होगा, तो अब हम वैल्यू को पुट करेंगे और देखेंगे जो वैल्यू सेटिस्फाइड हो रहा है, अगर जीरोज दे दे तो वही हमारा क्या होगा, आंसर ही हो जाएगा, ठीक है। तो हम पुट करते हैं डायरेक्ट, देखोगे अगर यहाँ एक्स का वैल्यू अगर 2 ले, फर्स्ट वाले को चेक करते हैं एक बार, तो 2 लेके अगर यहाँ डाले तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर करोगे 4, यहाँ डालेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4, तो ये 4 और ये 4 कैंसिल होके बच जाएगा -8, क्या 0 मिला, नहीं मिला, तो ये तो ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं होगा। इस वाले को पुट करते हैं, 4 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 16, एंड देन यहाँ पे अगर पुट करें तो मैं करके दिखा देता हूँ, ये हो जाएगा आपका 16 एंड देन -4 × 2 = 8, और यहाँ पे -8 है, हाँ ये 0 आ रहा है,
है ना, यानी एक तो होगा हमारा 4। अब बाकी चेक करते हैं, यहाँ पे एक दिया हुआ है -2, क्या ये -2 सेटिस्फाइड है, चेक कर लेते हैं। तो ये देखोगे -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 मिलेगा, है ना, और -2 × 2 करोगे तो 2 जब +4 हो जाएगा, और -8 अगेन आपको 0 मिल गया, 4 + 4 = 8, -8 यानी 0, यानी ये दोनों हमारा जो जीरोस है ये सेटिस्फाइड हो रहा है, यानी ये हमारा इस पॉलिनोमियल का हमारा जो जीरोस क्या होगा, 4, -2। तो इस तरह से हम लोग इजीली हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं, यहाँ दिया हुआ है द पेयर ऑफ इक्वेशन x + 2y - 5 = 0 एंड -4x - 8y + 20 = 0 है, और ऑप्शंस में दिया हुआ है यूनिक सॉल्यूशन, एग्जैक्ट 2 सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ठीक है ना। तब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, प्रोसेस आपको पता ही होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, a1 / a2 फाइंड करते हैं, है ना। तो यहाँ पे a1 मीन्स क्या है, नहीं है मीन्स 1 है, सो 1 / यहाँ देखोगे -4 है, यानी a1 / a2 का वैल्यू मिला हमें -1/4। b1 / b2 देख लेते हैं हम लोग क्या आ रहा है, b1 / b2 अगर फाइंड करोगे तो यहाँ हो गया 2, और b2 में देखोगे -8 है, यानी हो गया -1/4, यानी दोनों तो हमारा इक्वल है, ठीक है। तो c1 / c2 भी हमें चेक करना होगा, तो ये देख लेते हैं, ये -5 है और इधर हो गया आपका 20, यानी -1/4। अब देखोगे a1 / a2, b1 / b2 और c1 / c2 सारे हमारे क्या है, इक्वल हो गए, -1/4 - 1/4 - 1/4। जब भी तीनों आपस में जब इक्वल हो जाते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, जो लाइन होता है वो क्या हो जाता है, कोइंसाइड, यानी एक ही लाइन पे दोनों लाइन हमारा आ जाते हैं, है ना। तो उसमें सॉल्यूशन कितने होते हैं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ दिया हुआ है कि इन एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, इफ़ a = दे दिया हुआ, यानी फर्स्ट टर्म दे दिया हुआ 28 है, कॉमन डिफरेंस -4 और n का वैल्यू दे दिया हुआ है 7, देन आपसे पूछ रहा है कि an का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो हमें पता है कि an = होता है a + n - 1 × d, है ना। अब देखोगे यहाँ पे a का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 28 है, एंड देन n का वैल्यू है 7, सो 7 - 1 करेंगे 6, एंड देन d = दे दिया हुआ है -4, ठीक है। ये हो गया 28 + -6 = 24, ठीक है ना। अब देखो 28 से 24 को माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएंगे फर्स्ट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं, यहाँ दिया हुआ है कि 30 टर्म ऑफ द AP एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और ये हमारा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। 10 है, 7 है, 4 है, यानी नंबर आपको देख के क्या लग रहा है, ये सारे नंबर हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना। अब टू डॉट 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 दिया हुआ इस क्या होगा, यानी कितना नंबर टर्म पूछ रहा है आपसे, 30 नंबर टर्म। तो सबसे पहले देख के आपको ये लग रहा है कि 10, 7, 4, अब ये नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, ठीक है ना, बड़ा से छोटा की तरफ जा रहा है, यानी अब इसके बाद नेक्स्ट वाला क्या होगा, फिर 3 - 3 करके हमारा डिक्रीज हो रहा है ना, तो 3 - करेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, उसके बाद फिर 3 - करेंगे नेगेटिव में जाएगा, यानी जो आंसर होगा वो क्या होगा, नेगेटिव में होगा, ठीक है। तो ऑप्शंस में देखोगे ये पॉजिटिव है नहीं होगा, ये पॉजिटिव है नहीं होगा, या तो आंसर -77 होगा या तो -87 होगा। कैसे करेंगे फाइंड कर लेते हैं हम लोग, 30 टर्म पूछ रहा है आपसे, a30 का वैल्यू पूछ रहा है, तो a + 30 - 1, दैट मीन्स n - 1 × d। अब d यहाँ से क्या है, 3 - 3 है ना, क्योंकि देखोगे 7 - 10 करेंगे तो ये -3, सो d का वैल्यू मिला -3, ठीक है। अब देखोगे यहाँ a का वैल्यू क्या है, 10 है, सो 10 + ये हो गया आपका 29 × -3, सो ये हो गया 10 + -9 = 27, 2 और ये हो गया 3 × 6 = 8। अब -87 + 10 है तो ये हो जाएगा -77, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा -77, जो कि ऑप्शन नंबर है सी, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट, आज मैंने MCQs क्वेश्चंस मैंने कुछ करवाया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए, जो अभी बोर्ड एग्जाम जो होने वाले क्लास 10th का, वहाँ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।